शहर में नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाली कई गैंग सक्रिय है। इसके पहले झोलाछाप डॉक्टर और उसकी गैंग को क्राइम ब्रांच के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया था। अब एक नया गिरोह पुलिस के हाथ लगाए। फिलहाल सीताबर्डी थाने में यह मामला दर्ज है। नागपुर शहर में नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाली कई गैंग सक्रिय है। आपको बता दें कि नागपुर शहर में इसके पहले भी झोलाछाप डॉक्टर और उनकी गैंग को क्राइम ब्रांच के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया था। अब एक नया गिरोह पुलिस के हाथ लगा है। इस मामले में पुलिस ने दलाल, खरीदार और किसी समय अस्पताल में नौकरी करने वाली दो नर्सों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस गैंग का मुखिया राठौड़ लेआउट अनंत नगर निवासी सलाम उल्ला खान बताया जा रहा है। 58 वर्षीय महिला ने सलाम उल्ला और धंधोली परिसर में स्थित अस्पताल में काम करने वाली दो परिचारिकाओं की मदद से बच्चा खरीदा था। सुरेंद्रगढ़ में रहने वाली महिला के छोटे बेटे ने किसी कारण से आत्महत्या कर ली थी और बड़ा बेटा संपत्ति के लिए लगातार माँ के साथ विवाद करता था। यहाँ तक कि सरेआम उसने माँ के साथ मारपीट भी की। माँ को बुढ़ापे के लिए कोई सहारा चाहिए था। उसने प्रयास किया कि किसी तरह IVF के जरिए बच्चे को जन्म दे, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। बस इसीलिए उसने यह गलत कदम उठा लिया। वह अस्पताल में बच्चे के लिए भटक रही थी। इसी दौरान निजी अस्पताल में काम करने वाले दो नर्सों से उसकी पहचान हुई। नर्सों ने उसे सलामुल्ला के बारे में बताया तो महिला ने उससे संपर्क किया। फिलहाल सलामुल्ला ने 3 लाख रुपए में बच्चा उपलब्ध कराने की जानकारी दी। अब मामले ने नया मोड़ ले लिया। दरअसल ये बच्चा महिला के बड़े बेटे की आंख में खटक रहा था। उसे लगा कि संपत्ति में नया हिस्सेदार आ गया है। उसने पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज की। तब जांच में बच्चे की खरीद फरोख्त करने की बात सामने आई। इस दौरान पुलिस ने बच्चा खरीदने वाली महिला सलामुल्ला और अन्य दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। या प्रकरणात आधी आमच्याकडे अर्ज आलेला होता। अर्ज चौकशी अंती निष्पन्न झाला की याच्यात मुलाचे ट्रॅफिकिंग झालेलं आहे। तर बाड झासेराणी स्क्वेअर निलावर ह्या शाळेजवळ म्हणजे बाळाला देण्यात आलं आणि यामध्ये आपण 4 आरोपी अटक केले। त्यापैकी मुख्य आरोपी आहे, जे करता धरता आहे, तो सलामुल्ला खान उर्फ जगनू मिया खान आहे। राहणार अनंतनगर गिट्टी गदा। इतर 3 महिला आहेत आणि त्यांना आपण काल PCR घेतलेला आहे। सध्या तपास सुरू आहे। ज्या महिलेने बाळ घेतलेलं आहे ती पीडित होती आणि तिचा एक मुलगा मरण पावलेला होता। दुसरा जो आहे ज्याने अर्ज केलेला होता भूषण सोमकुवर, तर तो म्हणजे आईवडिलांना चांगली वागणूक देत नव्हता, टॉर्चर करायचा, आणि जो मुलगा मरण पावला त्यामुळे तिला असा कुठंतरी एक म्हणजे काही रिकामी तिची जे मुक जागा झाली होती ते भरून काढण्यासाठीच तिने की माझा मुलगा जे मरण पावला तर त्याचा म्हणजे जागा कोणीतरी घेणारा पाहिजे, कारण की जे अस्तित्वात आहे तो तिला चांगला पाहत नव्हता किंवा वागणूक देत नव्हता। म्हणून तिने जे ओळखीची महिला होती तिच्या मार्फतीने विचारलं की कुठून मला बाळ मिळू शकते का, आणि त्या अनुषंगाने ती लिंक लागली आणि तिने बाळ घेतलेलं आहे। आणि त्या प्रकारे तिने बाळ जेव्हा घेतला त्यावेळेस तो जवळपास 10 ते 12 दिवसाचा बाळ होता। आता त्याची वय 3 वर्ष झालेली आहे। नाही, ज्यावेळेस बाळाची विक्री झाली त्यावेळेस बाळाकरता 3 लाख रुपये सलामुल्लाला देण्यात आलेले। यामध्ये कॅशमध्येच झालेला आहे व्यवहार। बरोबर, हँड टू हँड ते कॅश ट्रान्सफर झालेली। गौरतलब रहे की संदेह है की इस तरह उसने और भी बच्चे बेचे होंगे। फिलहाल समाज सेवा के नाम पर वह ये काम कर रहा था, ऐसी जानकारी है। NBC News के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।